नमस्कार डॉक्टर मनीष श्याम अनुरधा फ्रॉम प्रसार भारती न्यूज़ सर्विसेज एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म सर uh, इंडिया में भी बहुत ही रिसेंटली नेसल वैक्सीन लॉन्च हुई है जो कि इंडिजनसली डेवलप्ड है उस पर आपके क्या विचार हैं कि वो किनको मिलनी चाहिए या उसका इफेक्टिवनेस कितना ज़्यादा एंड हाउ इट शुड बी रोल्ड आउट देखिए जो नेजल वैक्सीन आई है वो यूज़फुल वैक्सीन इसलिए है कि क्योंकि हमारे जितने भी वायरसेज होते हैं वो नाक से ही अंदर जाते हैं और वो नाक में क्योंकि दी जाएगी तो वो वायरस को बहुत इफ़ेक्टिवली वहीं पे काम मार सकती है और उससे हम कर पाएंगे कि हमारी शरीर के अंदर आगे जाके वायरस ना फैल पाए बहुत यूज़फुल वैक्सीन है पर अगर आपको पहले ऑलरेडी दो डोजेज़ कोविड कोविशील्ड या तीन डोजेज़ कोविशील्ड की मिल चुकी हैं तो आपको अभी नेजल वैक्सीन लेने के लिए नहीं कहा जाएगा जिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिली है या जिन लोगों को अभी बहुत ज़्यादा पुअर इम्यूनिटी है उन लोगों के लिए हम नेजल वैक्सीन को अभी प्रेस्क्राइब कर रहे हैं और वो भी तब अगर उन्होंने थर्ड प्रिकॉशनरी डोज नहीं ली है जिन लोगों ने अपनी तीन डोजेज ली ली हैं उन्हें अभी नेजल वैक्सीन लेने की आवश्यकता नहीं है अगर सरकार की तरफ से एडवाइजरी आती है केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं फोर्थ डोज की आवश्यकता होगी तो तब उसका इस्तेमाल किया जा सकता है इसका इस्तेमाल वहाँ ज़्यादा अच्छा हो पाएगा क्योंकि इसमें इंजेक्शन नहीं लगाना और इसके अंदर इवन आपके जो नर्सिस जो आंगनवाड़ी वर्कर और जो दूसरे वर्कर हैं जिन लोगों को नॉलेज नहीं है सरकार अगर उनको ये वैक्सीन दे देगी तो उससे इसकी रीच बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि इंजेक्शन लगाने के लिए तो कम से कम एक नर्स का होना ज़रूरी है और उसकी कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए हर सेंटर में एक डॉक्टर का भी होना ज़रूरी है तो नेज़ल वैक्सीन का सबसे ज़्यादा फायदा तो अभी यही रहेगा जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर साहब ने बताया था कि नेजल वैक्सीन है बट अभी इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारे अभी 75 परसेंट लोगों ने थर्ड डोज नहीं ली है पहले वो पूरी करा लें और उसके आगे का ये इमरजेंसी है अगर किसी ने नहीं ली है तो वो ले ले कम से कम समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग ओके सो फर्स्ट कंप्लीट द रूटीन वैक्सीनेशन एंड हमारी वैक्सीन बड़ी प्रभावी रही है और हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा उसका रिज़ल्ट रहा है